खाक खोप रहती है वो 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 जिससे धुआं नहीं उठ रहा धुआं धुआं व्हाट धुआं तुम्हें धुएं का नहीं पता है ओए आग जलती होती है और धुआं उठता होता है ब्लडी इडियट रोटी अंग्रेज को रास्ता बतायो ओए रास्ता नहीं बताया उसे मैंने मैंने उसे बकाया है यही दिमाग चाट रहा था अच्छा हम खाना खाने घर जा रहे हैं तुम भी जाओ घर से खाना खा के आओ ओए तुम लोग फजूल खर्च हो हैं घर चले जाते हो रोटी खाने के लिए मैं अपनी रोटी अपने साथ लेकर आता हूं और अवर टाइम लगाकर तुमसे ज्यादा पैसे कमा लेता हूं ओ मरा अल्ताफ कमाता बहुत है लेकिन किसी पर खर्च नहीं करता बहुत कंजूस है ओए रोटी शॉपर में डाल कर लाता हूं वो भी आधी वही छोड़ो मरा हम चलती है इसको अपनी दुनिया में मस्त रहने दो आओ चलो देर होते हैं ओए आधा घंटा तुम्हें जाते हुए लगेगा आधा वापस आते हुए तब तक मैं खाना खाकर ओवर टाइम भी लगा चुका हूं तुम दोनों की जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी के कान भरने की मैं भी तुम्हारी बीवी के कान भरता हूँ तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझको गले से पकड़ने की और किसने तुम्हारा बीवी का कान भरा है और तुम दोनों ने तुम्हारा बीवी हमारा बहन है हमारा भाभी है और तुमको गलतफहमी हो गया जो गलतफहमी का कोई गोली मोली खाओ ओए आइंदा अगर ऐसी वैसी बात की ना तो मैं तुम दोनों के दांत तोड़ दूंगा चल परे हट कंजूस मक्खी चीज तू क्या दांत तोड़ेगा क्यों तुम्हारे पहले के टूटे हुए चल परे हट परे हट कंजूस किसको बोला है टेरो टेरो ओ एल्ता भाई टेरो ओए बादशाह खान का बात सुनो हम सब भाई भाई ओए तुम्हारा झगड़ा देख के बादशाह खान की आंखों में आंसू आ गए कोई पेशावर कहे कोई दीर कहे कोई यार मवार कहे हम सब भाई भाई तुम आपस में राजीनामा करो देखो इधर सुनो मेरा बात भाई ओ सुनो सुनो हम भाई भाई हैं चलो चलो खान दादा बात करो यार आपस में मिलो यार तुम भी आ जाओ तारिक भाई इधर चुप मिलो मिलो आपस में यार चलो चलो शाबा मिलो अबाजी मैं अल्ताफ को खाना देने जा रही हूँ तू किस लिए जा रही है बेटी वो खाना साथ ले गया होगा नहीं अबाजी आज मैं अल्ताफ को भी खाना खिलाऊंगी और उसके साथियों को भी और उनको पता चले कोई हम ऐसे वैसे लोग नहीं है जैसे तेरी मर्जी बेटी तो वापस जल्दी आना ठीक है अब्बा जी
माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हो, कहाँ जाने की तैयारी है? तुम्हें याद है ना उस दिन अल्ताफ के साथियों ने मुझे ताना दिया था, आज उनको भी हलवा खिलाऊंगी और उनको बताऊंगी कि हमारे घर में भी अच्छे अच्छे खाने बन सकते हैं। आओ तुम भी चलो। हाँ चलो ना। शगुफ्ता, तुम्हें पता है मैंने एक बंदे को तुम्हारे घर मच्छर बनाकर भेजा अल्ताफ को डराने के लिए। अच्छा वो तुमने भेजा? हाँ। मैं तो सच्ची की डर गई, लेकिन जो अल्ताफ है ना उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अच्छी बात है। मैं आज तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए हलवा लेके आई हूँ। नहीं नहीं नहीं, इधर कोई हलवा नहीं खाएगा, तुम वापस जाओ। वापस क्यों चली जाएं? अब तो हलवा तैयार है, खराब हो जाएगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम अपने घर से बना के लाई हो। जी, हलवा है तो हम जरूर खाएंगे, क्यों खान लाले? हाँ जी, बड़ा कौन हलवा छोड़ती है, क्यों बादशाह है? ठीक है फिर हम दस्तरखान भी चाहती है। चलो चलो। आज तुम काम पे नहीं गए? मैंने काम छोड़ दिया है, इसने ना मेरा बहुत नुकसान करवा दिया है। क्या तुम्हारे दोस्तों को थोड़ा सा हलवा खिला दिया तो बहुत बड़ा नुकसान मैंने कर दिया? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तुमने मेरा बहुत खर्चा करवा दिया है, मैं बस अब मरने लगा हूँ। अल्ताफ बेटे बात तो सुनो यार। लो लो ये मैं मर गया, ये लो। उठो अल्ताफ, क्यों ड्रामे कर रहे हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ भी हो मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, बस मैं अब मर गया। तुम नहीं मरे बेवकूफ, मैं मर गया हूँ। अंदर तो मन्ने वन्ने की बातें हो रही हैं, लगता है कोई फौतगी हुई है। चलो चल के पूरे गांव को बताता हूँ। उठो अल्ताफ, देखो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, उठो ना, देखो कोई आ गया तो क्या होगा। मरे हुए बंदे कोई बोलते होते, तुम क्यों मुझे बार बार बोलने पर मजबूर कर रही हो? शगुफ्ता, मैं तो उसके रोज़ के ड्रामे से बहुत तंग आ गया हूँ, तुम ही संभालो उसे, मैं जरा किसी काम से जा रहा हूँ। पागल
अख्तर साहब, क्यों शोर कर रहा है? क्या मेरे वारंट निकल आए हैं? वो नहीं जी, जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं। वो कौन है? वो मेरी फैक्ट्री में बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। अल्ताफ? हाँ अल्ताफ, क्या हुआ उसे? वो पूरा हो गया। वो पहले आता था जो अब पूरा हो गया? और नहीं जी, आप मेरा मतलब नहीं समझे। क्या मतलब है? तू मुझे बेवकूफ समझता? हाँ, और नहीं 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 जी, वो अल्ताफ मर गए। अल्ताफ मर गया जी? बड़ा अफसोस हुआ है। अब मुझे काम के लिए कोई नया बंदा ढूंढना पड़ेगा। बात सुनो, मैं जनाजे में तो शिरकत नहीं कर सकता क्योंकि मैंने शहर बहुत जरूरी काम जाना है। तू इस तरह कर, फैक्ट्री के सारे मुलाजमों को बता दे और गांव में भी इतला कर दे, ठीक है ना? ठीक है जनाब। इतने फैक्ट्री में ब्लॉक नहीं बनते जितने रोजाना बंदे मर रहे हैं। हर रोज कोई नया बंदा मर जाता है। बादशाह खाना के दूंगी दिल पर जाना, बगैर रंग दे जा कुर्बान, जा कुर्बान। बादशाह खाना के दूंगी दिल पर जाना, बगैर रंग दे जा कुर्बान। ओ लशे एका बादशाह खाना के दूंगी दिल पर जाना। उधर अल्ताफ मर गया है। अल्ताफ मर गया है? उठो वे, चलो। मरा तारिक, ना कोई बीमारी का सुना ना कोई खबर, ये सब अचानक कैसे हो गया? वो खुदाए पाका, कैसा बेदर्द बीवी है, एक आंसू भी नहीं इसका गिरा। इसकी आंखों से तो जैसे आंसुओं के समंदर बह रहे हो। चलो यार, जो अब खुदा की मर्जी, लेकिन अब हमें आगे के कामों की जल्दी करनी चाहिए। तुझे बड़ी जल्दी है कमीने। हैं? ये मेरे कपड़े उतारेंगे? नहीं नहीं, मैं अपने आप को नंगा किसी को नहीं देखने दूंगा।
अस्सलाम वालेकुम। भागता किधर है बच्चू? मरने के ड्रामे करता है तू? भाग तो नहीं रहा था, वैसे ही वर्जिश करने का मूड बन रहा था। वर्जिश करवाता हूँ मैं तुम्हें वर्जिश। मरने का बहाना करके दो दिन से तू काम पे नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना, जो बगैर बताए छुट्टी करे उसे मैं कितनी कड़ी सजा देता हूँ। जनाब मैं गिर गया था और मेरे घुटने में चोट आ गई थी। घुटने में कहाँ चोट आई है, दिखा जरा मुझे, दिखा। गालबन घुटने के नवाई इलाकों में चोट लगी है। अच्छा, इसीलिए तू वर्जिश कर रहा था है? जी डॉक्टर कहते हैं ना कि वर्जिश करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप भी वर्जिश किया करें। अरे बकवास करता है तू, तुम्हें कोई चोट छोट नहीं आई। चोट तो मुझे आई थी जब मैं फैक्ट्री का मुआयना कर रहा था और वह पीछे पहाड़ी से गिरा था मैं। जी 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 जी, तुम्हें याद है ना, मैं उससे पहले भी एक दफा गिरा था। जी जी, आप तो बहुत गिरे हुए हैं। मेरा मतलब है पहाड़ी से। और छोड़ इन बातों को, ये बता तू काम पे क्यों नहीं आ रहा? मैंने काम छोड़ दिया है, मैं अपना स्कूल मास्टर बन गया हूँ, स्कूल मास्टर। ओए अनपढ़ आदमी, वो तू स्कूल मास्टर लग गया? नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ना हाफ एम ए किया हुआ है, हाफ एम ए। ये हाफ एम ए क्या होता है? आठवीं। पहलिया ना बजा। हाँ जी, मैं बच्चों को ए बी सी डी पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब तुम बच्चों को ए बी सी डी पढ़ाता है, ये जरा वाटर की स्पेलिंग तो बताओ। वाटर की स्पेल डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए टेरेटर वाटर, इसमें कौन सी मुश्किल बात है जी? अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे और मेरा भी। सच्ची सच्ची बता तू काम पे क्यों नहीं आ रहा? बस जी, मेरे कुछ अंदरूनी बैरूनी मसाइल बन गए, इसलिए नहीं आ रहा हूँ। कौन से मसाइल है, एवं इधर उधर की मारते रहते हो, सुबह काम पे आ जाना। नहीं नहीं, कल तो मैं नहीं आ सकूंगा, कल तो मैं शहर जाऊंगा अपनी बीवी के लिए कपड़े खरीदने। चलो परसों आ जाना ना। नहीं, अब दो तीन दिन बाद ही आऊंगा। मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर दो तीन दिन के बाद भी तू काम पे ना आया ना, तो बंदे भेज के तुम्हें घर से उठवा लाऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, मच्छर जी मुंह पे आके बैठता है। दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा। ये ठीक है ना? चलेंगे। अच्छा मैं जा रहा हूँ। हाँ एक बात, जब मैं शहर से वापस आऊंगा ना, तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, मुझे देखकर तुम हैरान रह जाओगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें लाऊं? जो मर्जी ले आना। मेरी मर्जी पे जाती है तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। क्या मतलब? अच्छा मैं दो दिन बाद वापस आऊंगा ना, तो तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊंगा और ढेर सारी चीजें लेकर आऊंगा। अल्ताफ, चीजों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम वापस आ जाना, ऐसा ना हो कि तुम वहाँ गुम हो जाओ और मैं यहाँ तुम्हारी राह देखती रहूं। अपनी तरह बोला समझे मुझे क्या? मेरी बोली। तुम बोले। तुम बोली। तुम बोले। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना ठीक है। गुप्ता क्या हुआ बेटा?
क्या हुआ मेरे बच्चा? पता नहीं अम्मा जी, मेरे पेट में बहुत सख्त दर्द हो रही है। तुम होशियार रखो बेटी, मैं भी किसी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अम्मा जी, आपको यहाँ पे काम मिलेगा डॉक्टर, आप इस तरह करें, मेरे दोस्त इस्मा को बुला के ले। तू सबर कर मेरी बेटी, तू होशियार रख दो, मैं अभी अभी बुला के लाता हूँ बेटा, अभी बुला के लाता हूँ। कहाँ चले गए हो तुम, मुझे छोड़कर इस टाइम कहाँ चले गए हो? बेटी इसको क्या हुआ बेटी? शगुफ्ता, तो क्या हुआ? चाचा जी, ये तो मर गई है। नहीं 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 शगुफ्ता, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं हो सकता बेटा, ये नहीं हो सकता शगुफ्ता। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने बेटे को, और मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने बेटे को? और यहाँ आगे रह के अस्पताल होता तो आज मेरी बच्ची यूं तड़प तड़प के ना मरती, यूं तड़प तड़प के ना मरती मेरी बच्ची। हुकूमत वाला, हुकूमत वाला यहाँ एक अस्पताल बना दिया होता, वो एक अस्पताल ही बना दिया होता मेरी बच्ची यूं ना मरती। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। शगुफ्ता, शगुफ्ता, तुम किधर हो? देखो मैंने अपने आप को बदल डाला है। तुम रोज कहती थी ना अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, मैंने बदल डाला है। मैं तुम्हारे लिए जो सूट लेकर आया हूँ ना, वो सूट तुम देखते ही कहोगी वाह क्या सूट है। मेरे जाने के बाद मेरे घर को खड़ा बना लिया, अब इनकी ऐसी की तैसी करता हूँ। हटो पीछे हटो, क्या मेरे घर को खड़ा बनाया हुआ है?
शगुफ्ता आगे खोलो, तुम क्या जीतने मुझे रोज के बदलो बदलो अपने आप को, देखो मैंने बदल डाला है अपने आप को, ये देखो मैं तुम्हारे लिए सूट लेकर आया हूँ, ये लो ये पहनो, ये क्या पहना हुआ है ये पहना हुआ है, तुम भी ना मेरी तरह ड्रामा कर रही हो, बदला ले रही हो मुझसे, बदला ले रही आंखें खोलो शिकुता, आंखें खोलो, मैं बदल गया हूँ, ये कपड़े पहनो, ये कपड़े, ये क्या पहना है, आंखें खोलो शिकुता, आंखें खोलो।